नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, मैं हूं पिंकी और आज फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुई हूं। और आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी स्किल है जो हर क्षेत्र में अपना रोल निभाती है, हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस हो, एक कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हर जगह अपना रोल निभाती है। सो कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को हमसे जोड़ता है, एक रिलेशन बिल्डअप करता है और ये हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आसपास के लोग भी हमसे प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ वो हमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। फर्स्ट, बी अ गुड लिसनर। जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी बातों को ध्यान से सुने। इससे क्या होगा कि सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन जमता है। ध्यान से सुनने से आप सामने वाले की बातों का सही टाइम पे सही जवाब दे सकते हैं। इससे सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो सकता है। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बोलना उतना जरूरी नहीं होता है जितना कि सुनना होता है। सो बी अ गुड लिसनर। सेकेंड, बॉडी लैंग्वेज सही रखिए। ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रही है। इससे क्या होगा कि आपका दोनों का मिसमैच हो रहा है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बोल क्या रहे हैं और समझा क्या रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी फेस एक्सप्रेशन, अपने हैंड के मूवमेंट्स, अपने स्माइल हमेशा उसी तरीके से बना के रखें जैसा कि आप बात कर रहे हैं, जैसा कि एक प्रोफेशनल स्पीकर बात करता है। फेस स्माइल एंड आई कॉन्टेक्ट। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए फेस में स्माइल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप फेस में स्माइल रखते हैं तो सामने वाला कंफर्ट जोन में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और फिर वो आराम से एकदम से बात करता है। लेकिन अगर आप स्माइल नहीं करोगे, गुस्से से ऐसे बात करोगे तो सामने वाला थोड़ा सा सब कुछ आएगा बात करने में, उसको संकोच रहेगी कि यार क्या बात करूं क्या ना करूं, वो खुल के आपसे बात नहीं कर पाएगा। अगर आप आई कॉन्टेक्ट रखते हैं तो आई कॉन्टेक्ट से एक दूसरे का कनेक्शन जो है तो अच्छे से होता है, हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हैं। तो आई कॉन्टेक्ट और स्माइल हमारे बेटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टोन ऑफ वॉइस। हमेशा सामने वाले से जब भी आप बात करते हैं तो उनकी दूरी के हिसाब से अपनी जो टोन है, वॉल्यूम है, उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा करते रहें। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं लेकिन उनको कुछ और ही समझ में आ रहा है या फिर उनको साफ सुनाई नहीं दे रहा है। तो दूरी के हिसाब से अपने वॉल्यूम को कम या ज्यादा बना कर रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आपका कॉन्फिडेंस और आपका जोश कभी भी बात करते वक्त ढीला नहीं होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो सामने वाले पे बैड इंप्रेशन पड़ता है, वो बातों को फिर हल्के फुल्के से लेगा, वो इतना इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं आपसे बात करने में। अगर आप डर डर के अपना कॉन्फिडेंस लो करके हिचकिचा के बात करोगे तो सामने वाला हो सकता है आपकी बात में बीच में ही काट दे या फिर वो सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे तो वो आपकी बात बहुत ध्यान से और गौर से सुनेगा और बहुत अच्छे से समझेगा। सो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम्युनिकेशन। इधर उधर की बात बिल्कुल ना करें, जो जरूरी बात है सिर्फ वही बातें करें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो आप बात बोल रहे हैं सामने वाले से वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि हम इजुल फिजुल की बातें ऐसे कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक उठा लिया और फिर ऐसे लगे पड़े हैं जबकि वो कोई सीरियस बात करना चाह रहे हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही बोले, जरूरत से ज्यादा ना बोले। क्योंकि आप अगर जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला हो सकता है बोर हो जाए बहुत जल्दी कम्युनिकेशन को, या फिर बीच में वो रोक देगा या फिर आपको टोक देगा कि नहीं बस भाई अब रुक जा, अब और आगे बात हमें नहीं करनी है, बस टॉपिक खत्म कर। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आप चाहे तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने खुद से बातें करें, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरफ जा रही है, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप स्माइल कैसे कर रहे हैं, आप दिख कैसे रहे। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस हमें रोज लगातार करनी पड़ेगी। खुद से अगर आप बात करोगे तो आपको खुद को आकलन हो जाएगा कि आपके कम्युनिकेशन में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। या तो फिर आप कोई वीडियो बना लीजिए, उसको आप देखिए, या फिर अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके खुद को सुने कि आपका कम्युनिकेशन, प्रोनंसिएशन सब सही से हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, उच्चारण सही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं और लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और खुश रहिए।